الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البتحي الأبتهي التهامي أسرته خير الأسر إطرته خير الإطر شجرته خير الشجر نبتت في حرم وبسقت في كرم العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلوات مسلسل توجہات کا شکریہ. محافل میلاد کے سلسلے میں بانیاں نے محافل کی مساعی مشکور ہیں اور منتظمین کی طرف سے ابھی پروفیسر مرزا عابد عباس صاحب نے جن جذبات کا اظہار کیا میں ان جذبات کا بھی شکر گزار ہوں اور ان احساسات کی قدر کرتا ہوں. ہمارے لیے یہ محفلیں نئی نہیں ہیں. ہر وہ مجلس، ہر وہ اجتماع جہاں آپ ہم مل بیٹھتے ہیں وہاں اسی ذات گرامی مرتبت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس کے تذکرے کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا اور ایمان ناقص رہ جاتا ہے. اس لیے کوئی اجنبی دوست یہ تصور نہ کرے کہ کسی خاص وجہ کی بنا پر ان محافل میلاد کو منعقد کیا گیا، ایسا نہیں ہے. عموماً حیرانی اور حیرانی کے ساتھ اجتناب
उसी वक्त होता है जब आदमी आदमी को न पहचान सके, जब जमात जमात से दूर रहे, जब दोस्त एक दूसरे की हकीकत से आगाह न हो। इन महाफिल का मकसद अगर यह है कि एक जाई बढ़े, इत्तेहाद ज्यादा हो, सब मिलकर सोचने गौर करने और फिक्र करने के आदि बने, तो यह मकसद भी ममदू है, काबिले जिक्र है। लेकिन हकीकत यह है कि अपनी हद तक मेरी तकरीरों का वाहिद मंशा यह है कि मैं अपने सुनने वालों को इस अम्र से मुतआरिफ करवा दूं कि वो हमको पहचानने में धोखा न खाएं और यही वो मंजिल है जहां कुछ दूरी कुछ इज्तनाब और कुछ वो तसव्वुरात अजनबियत के जहां यह समझा जाए कि यहां तो अकायद ही कुछ और हैं। मैं चाहता था कि ये महफिलें हों या इस तरह की और महफिलें, बहर सूरत इस अम्र को वाज़ह किया जाए कि सब सुनने वाले और सब जमा होने वाले बिला इख्तिलाफ़े फिरको अकीदा इस हकीकत से आगाह हो जाएं के खातम और मुरसल आखिर हकीकत मुहम्मदिया कलमे का जुज्व आजम अजां की वाहिद जरूरत खुलासे तशहुद जीनत सलाम सरमाए दुरूद वही वो जात गिरामी है कि जिस जात गिरामी का तस्करा बगैर किसी जहनी तहफ्फुज के हम किए जा रहे हैं और समझाना ये चाहते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुवारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाहें इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा वजाहत इसी अमर की जा रही है
के धोखा न खाओ, हम भी उसी राह से गुजरना चाहते हैं जिस राह से मुस्लिम मुफक्किरीन आगे बढ़े हैं, लेकिन इसी मारूजे के साथ कि हम पहचानना चाहते हैं अब्दुल्लाह के लाल और फातिमा बिनते असद के आगोश के पलने वाले और अबू तालिब की हिफाजत में आगे बढ़ने वाले और आमिना बिनते वहब के लखते जिगर अब्दुल मुत्तलिब के पोते और हाशिम के घराने के चराग को इस तरह से कि हम ये नहीं चाहते कि कोई आलिम, कोई सूफी, कोई फलसफी, कोई शायर हमारा राबेता उनसे कायम रखे या उनका तारुफ हमसे करवाए, यानी हम मोहम्मद को गैर मोहम्मद की निगाह से देखना नहीं चाहते। और यहीं से मारेफत के मदारिज में कमी शुरू होती है। आपने कैसे देखा इस आलिम ने यह कहा, उस सूफी ने यह कहा, उस शायर ने यह कहा, उस मुर्शिद ने यह कहा, क्यों क्यों यह दूरी? मोहम्मद वो क्यों नहीं जिसको कुरान ने पेश किया? सरसरी क्यों गुजर जाते हो कुरान से? कुरान से सरसरी क्यों गुजरते हो? जिसकी मोहब्बत होती है उसमें अगर वो सिफात पाए भी न जाएं जो महबूब के लिए लाजिम है, तो दोस्त रखने वाला उन सिफात को पैदा करता है कि महबूब में खामी ना रहे। यहां अजब हाल है कि जिस महबूब में कोई नक्स ही ना हो, जहां ढूंढने की जरूरत ना हो सिफात को, वहां कुरान जब सिफत पर सिफत बयान करे तो हम सरसरी गुजरें। कुरान कहे ताहा यासीन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर बशीर नजीर सिराज मुनीर, कुरान कहे आब्द और कुरान कहे रहमतुन लिल आलमीन। हम सरसरी गुजर गए, वक्त का कैदी बना दिया, नाम मोहम्मद जीनत तारीख बना और इसी तसव्वुर के साथ कि 11 हिजरी और है और 1383 हिजरी और है, हम इस तरफ से गुजरे जैसे कोई बेगाना वार गुजरता। कुरान को अपने हाथों में रखकर इस दावे के साथ कि ये बस है, फिर भी हर वो आए जो कसीदा थी शान खातम में उसको या तो हल्का करने की कोशिश की या नस को जामित किया, कौल को हक के फ्रीज करने की कोशिश की, मुंजमित कर दिया और यह बतलाने की कोशिश की कि हां इसमें कोई खास बात नहीं। इसके माना ये, इसके माना ये। और जहां गौर व फिक्र की दावत दी तो यह कहा गया तामुक ना हो दीन में,
ज्यादा गहरे जाने की जरूरत नहीं। तअम्मुक तबाह कुन है, दूर तक न जाओ। हम ये चाहते हैं कि कम अज कम बारगाहे खत्मी मर्तबत में जब हम अपनी अकीदतों को पेश करें तो कुरान मजीद की रोशनी में उन मनाजिल तक तो पहुंच सके कि जिन मनाजिल तक पहुंचने में हमारे लिए हुसूल मदारिज मारिफत मुमकिन है, हम आरिफ बन सकते हैं और फिर कमाल बशर अगर वाकई आंखों में तजल्ली करता रहे तो हर बशर के लिए इम्कान तरक्की है। और इंसान अगर अब भी बशर नाशनास है और उसको इसी मंजिल पर समझना चाहता है कि हमसा कोई इंसान था तो पूरे अकायद पर नजरे सानी की जरूरत होगी, पूरे अकायद पर नजरे सानी की जरूरत होगी। मैंने अपनी गुज़िश्ता चार तकरीरों में और आज की इस पांचवी तकरीर में बशर्त तौफीक यही पेश किया है और यही चाहता हूं कि इख्तितामी तकरीर में भी अर्ज करूं कि कल्ब मुस्लिम का नूर यही है कि वो इजाफे इल्म मारिफत तलब करे, वो जामिद न हो। और इस तलब इजाफे इल्म मारिफत मुस्लिम जंबादार न हो, वो ये न सोचे कि ये तो आवाज गैर है, वो ये न समझे कि ये तो कोई अजनबी बोल रहा है। वो कोई बोले अगर हक उसकी जबान से निकल रहा है तो हक से दूरी महरूमी है। कहां तरक्कियां मुमकिन हैं जब तक के इंसान इस तरफ के साथ आगे ना बढ़े कि देखो कहां से क्या मिलता है। इसलिए ये अपने और पराए की तकसीम को, ये यगाने और बेगाने के फर्क को अलग करके अगर मिल्लत सिर्फ फजाइल खत्मी मर्तबत सुनना चाहती हो बेउनवान मीलाद, तो मैं समझता हूं कि एक काफी जखीरा मौजूद है, काफी जखीरा मौजूद है, बेशर्ते के इंसान लज्जत हिस्सी से बुलंद होकर लज्जत अकली तक पहुंचे। भूख में गिजा, प्यास में पानी, नींद के वक्त अच्छा बिस्तर, जरूरतों के वक्त हाजतों की तकमील, ये सब लज्जात हिस्सी हैं। मगर किसी अहम मसाले का खुद ब खुद मुनकशिफ हो जाना, किसी पर्दे का उठ जाना, किसी मारिफत के दरवाजे का खुल जाना एक लज्जत अकली है। और वो लज्जत अकली जिसमें दवाम है, लज्जत हिस्सी बदलती है, लज्जत अकली नहीं बदलती। लज्जत हिस्सी यह है कि बचपन का मजा और है, जवानी का मजा और है, ज़ईफ़ी के जायके और हैं, बचपन के तवज्जुहात और हैं, मिट्टी में खेलते थे, जवानी में कोई याद दिला दे तो नदामत हो, जवानी के जायके और हैं,
ज़ईफ़ी में कोई याद दिला दे तो खिजालत हो। तो लज्जतें बदलती हैं जहां एहसासात बदलते हैं, मगर लज्जत अकली तब्दील नहीं होती, इसलिए कि एक की बुनियाद पर दूसरी लज्जत और दूसरी लज्जत की बुनियाद पर तीसरी लज्जत हासिल होती है। इसी तरह कुव्वत दर्राका मकामात मारिफत को तय करते हुए आगे बढ़ती है, और जब इंसान सही माना में किसी कामिल इंसान की मारिफत को हासिल करना चाहता हो तो उसको तो बेलौस रहना चाहिए, उसको तो बेताल्लुक जीना चाहिए, उसको तो कुयूद फिरकों अकीदों मिल्लत से आजाद होना चाहिए, और यह देखना चाहिए कि हमारे महबूब की तारीफ कहां हो रही। अगर नीयत यह हो कि तारीफ में मुबालगा क्यों किया तो वो आपका इख्तियार है, इसलिए कि मुबालगे की गुंजाइश हमारी सारी जिंदगी की खताबतों के बावजूद उस जात गिरामी में नहीं कि जहां हर तारीफ उसके आस्ताने पर पहुंच के नाकिस हो जाए। आप कहते हैं मुबालगा, मैं कहता हूं कि दावत फिक्र है। अभी अभी कराची से यहां पहुंचकर मुझे पहली मरतबा जिस किताब को देखने का मौका मिला वो आपके दोस्त जनाब हशमत हुसैन एडवोकेट की किताब थी इस्मत रसूल। कमी वक्त के साथ उजलत के साथ मैंने पूरी किताब को देखा। मेरी यह तमन्ना है कि मुसलमान बिला इम्तियाज मिल्लत अकीदा इस किताब को पढ़े, इसलिए कि सिर्फ जात रिसालत का तस्करा है और यह बतलाने की कोशिश की है कि इंसान एक कामिल के मनाजिल क्या है। मगर चूंकि बाज दिमागों में लफ्ज मासूम अब भी एक खराश पैदा करता है, इसलिए उनके वास्ते और भी जरूरी हो जाता है कि वो इस बहस से कमा हक़ूक़ वाकिफ हो, खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं किसी की शिकायत नहीं करता कि रास्ते से कौन हटा रहा है, रास्ते की तरफ कौन ला रहा है, मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर अच्छी आवाज और अच्छी फिक्र कहीं मिल जाए तो उसको न छोड़िए। हर घर में इस किताब की जरूरत को मैं महसूस कर रहा हूं, और शायद उनके लिए भी यह जरूरी हो जाएगा कि उसका दूसरा एडिशन वो पेश करें। जब हम एक सही फिक्र दें, खाह वो किसी अखबार के जरिए से हो या किताब के जरिए से, तो उसको आप पढ़ें, गौर करें, देखें। इस एतबार से नहीं कि हमको तो इनसे यह इख्तलाफ है, क्यों देखें इस किताब को। देखिए झगड़ा तो यहीं से है कि हम नहीं देखेंगे, हम नहीं सुनेंगे। अकलमंद आदमी देखता भी है और सुनता भी है। देखता इसलिए है कि देखे तो फिर अंदाजा लगाए गलती कहां है, सुने तो फिर अंदाजा लगाए कि गलती कहां है। न देखा न सुना, न देखा न सुना, मगर फिर भी यही दिल की आवाज कि गलती हो रही है, तो उसको हम गलती कैसे तस्लीम करें। खुदा गवाह है कि दुनिया जो भी सुना रही है हम सुन रहे हैं, जो कुछ
तमाशे हो रहे हैं हम देख रहे हैं। देखने और सुनने से इबरतें भी हासिल हो रही हैं, इल्म में इजाफा भी हो रहा है। इल्म जामिद नहीं है, इल्म में हमारे इजाफा हो रहा है और यकीनन होता रहेगा। उसकी वजह यह है कि एक तरफ हम यह देखना चाहते हैं कि दुनिया हमको जिस नजर से देख रही है उस नजर में क्या अब भी अजनबीयत है, और अगर अजनबीयत है तो उस अजनबीयत को अब हटना चाहिए, अब उसको दूर होना चाहिए। हसद से दिल अगर अफसुरदा है, घर में तमाशा हो कि चश्मे तंग शायद कसरत नजारा से वाह हो, तारीकियां तरक्कियों के लिए मजरत रसा है, जुल्मतें इंसान के जहनी इर्तका की राह में हायल हैं। सुनो और याद रखो, नजर आएगा क्या जुल्मत कदे में चश्मे हैरा को, अंधेरे का उजाला जानिए ख्वाबे परीशां को, अंधेरे का उजाला जानिए ख्वाबे परीशां को। तमहीद कुछ बलीग है लेकिन चाहता हूं कि सुनने वाले इस बलागत को महफूज रखें, जुल्मतों को दूर करना अकलमंद इंसान का काम है। जुल्मत दिए से भी दूर हो सकती है, जुल्मत केरोसिन ऑयल के चराग से भी दूर हो सकती है, जुल्मत इलेक्ट्रिक के बल्ब से भी दूर हो सकती है, जुल्मत आफताब से भी दूर हो सकती है, लेकिन कभी कभी इन सारी रोशनियों के बावजूद दिल का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। दिल के अंधेरे को दूर करने के लिए उस मोहब्बत की जरूरत है कि जो मोहब्बत चराग बने और दिल के अंधेरे को नूर से बदल दे। तमहीद अगरचे कुछ तवील है लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि इख्तितामी तकरीर के मौके पर चंद जरूरी बातें आप तक पहुंच जाएं? खुद आपका क्या ख्याल है? अकीदा वो है कि जो आसानी से नहीं बदलता। अकीदे की इमारतें बड़ी कोहना बड़ी पुरानी, अकीदे की बुनियादें बड़ी मोहकम बड़ी मजबूत, माजी के तवील सिलसिले से अकीदा वाबस्ता होता है। अब मेरी नजर में कोई अकीदा गलत हो आपकी नजर में कोई अकीदा गलत हो इस पर बहस नहीं है, लेकिन अकीदा वही जो बुनियादे यकीन पर हो। क्या आप यह समझते हैं कि मैं कोई राय दूं और आप अकीदा अपना बदल देंगे? क्या आप यह समझते हैं कि आप में से कोई राय दे और मैं अकीदा बदल दूं? राय और है अकीदा और है। यह ओपिनियन है किसी की कि ऐसा हो, ओपिनियन है, ओपिनियन डॉगमा नहीं है।
अकीदा नहीं है, उसकी अपनी राय है। वो समझता है कि मुमकिन है जमाने के लिए ये जरूरी हो। तो राय को अकीदा न समझो और किसी राय से किसी अकीदे को मुतासिर करने की कोशिश न करो। अगर किसी अकीदे को दुरुस्त करना चाहते हो, मेंड करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो यह देखो कि अकीदे की बुनियादें क्या हैं। अगर बुनियादों में कहीं खामी है तो पॉइंट आउट करो, दिखलाओ, समझाओ कि देखो यह खामी है, इल्मी एतबार से गलती है, इसलिए यह इमारत गलत है। सिर्फ राय दे के ये कह देना कि गलत है, जरा सा मेरे साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ इशारियत है, कुछ अलामतियत। अकीदे को अगर जांचना हो तो पहले बुनियादों को देखो। अकीदा नबुव्वत हमारे पास वो बुनियादी अकीदा है, वो महवरी अकीदा है कि जिसके अतराफ सारे अकायद हमारे, सारे आमाल हमारे उसूल हो के फुरू, वो सब उसी के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। न हो नबी तो कुछ नहीं, क्या ख्याल है? न हो नबी तो कुछ नहीं, यानी दायरे ईमान में नबी मरकज, यानी दायरे इस्लाम में नबी मरकज, यानी दायरे इम्कान में नबी मरकज। और इस तरह से उस मरकज से इस दायरे का हर नुक्ता मरबूत, उस मरकज से दायरे का हर नुक्ता मरबूत, वो मरकज कि अगर दायरे में किसी नुक्ते ने ये कहा कि बस इसके बनाने वाले को चाहेंगे और इसके सिवा किसी को नहीं, अगर आप में से किसी मुसलमान ने यह दावा कर दिया बस है अल्लाह की दोस्ती, बस है अल्लाह की मोहब्बत, क्या ख्याल है? कुरान मजीद इसकी इजाजत देगा? क्या कुरान आपको इस अम्र की इजाजत देता है? नहीं। कुरान ने कहा, कह दो ऐ रसूल, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, अगर अल्लाह को दोस्त रखने का दावा करते हो मेरी पैरवी करो, मेरी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा अगर तुमने मेरी पैरवी की। कितना इख्तदार मिला है इस बंदे को कि इसकी पैरवी करो तो खुदा दोस्त रखेगा। इत्तेबा और है, इताअत और। इताअत, पानी पिलाओ, वो आया दौड़ पानी लेकर, खाना लाओ, वो आया गिजा लेकर, ये काम कर दो, वो दौड़ के आया। इताअत पैरवी, कदम कदम पर साथ साथ चलना। इताअत की मंजिल और, इत्तेबा की मंजिल और, पैरवी वो कि जहां नजरों से ओझल न हो, पैरवी वो कि कहीं नजरों से दूर न हो, साथ 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 पैरवी। तो अगर खुदा की दोस्ती चाहते हो तो रसूल की पैरवी रहे, मरकज है ना, दायरे इम्कान में नबी मरकज है, उस मरकज से दूरी, उस मरकज से दूरी, अपने वजूद को फासिद करना है
मरकज का नुकसान नहीं है, लेकिन मरकज से नजदीकी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक के मरकज शनास ना बनो। और मरकज को पहचानने का तरीका यह नहीं कि अपनी निगाहों से देख के पहचानो। अगर उनको पहचानना है, उनको पहचानना है, तो फिर उसके लिए वो रास्ते इख्तियार करो कि जहां उन आंखों पर भरोसा हो सके कि जिन आंखों ने देखा हो तो हकीकत को पाया हो, उन दिलों पर भरोसा हो सके कि जिन दिलों ने उनके जमाले अकदस की तजल्लियों को कबूल किया हो, तो फिर उसमें शक और रैब का इम्कान पैदा न हुआ हो। उन आंखों को ढूंढो, उन दिलों को ढूंढो, ताकि उस रास्ते से मारेफत हो। कुरान उसूल को तय करता है और वो आंखें और वो दिल चूंकि महसूस है इसलिए आपके वास्ते वो जरूरी है। कुरान मुजर्रद है, इसलिए जिन्हें ज़ौक़े हुज़ूरी ख़्वाबो बेदारी में हासिल था, खुदावंदा वो आंखें कौन सी थीं, कौन सा दिल था, उन आंखों पर भरोसा चाहिए कि जिन आंखों ने उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते इतनी नजदीकी से देखा हो, इतनी नजदीकी से देखा हो कि वो मिजाज आशना हो गई हो आंखें। दूर से देखने वालों ने वही को देखा उतरते हुए, तो कैसे देखा, क्या फरिश्ते को देखा था? नहीं, कहा कि हमने देखा रेती में ऊंट के पैर धंस रहे हैं, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, बीमारी किसी कैफियत तारी हुई, चेहरा लाल हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, मुंह से कफ या झाग जाहिर हो गया। जब हम समझे कि वही आए, ये भी एक सूरत थी देखने वालों की, और एक वो भी देखने वाला था जो ये कहता है कि मैं पहली मरतबा जब गारे हिरा में पहुंचा तो इरशाद फरमाते हैं अरो नूर अल वही वो अशुम्मो रिहन नबुव्वा, मैंने वही के नूर को देखा, मैंने नबुव्वत की खुशबू को सूंघा। तो वही नूर है, मरज नहीं। नूर है, वही नूर है, यानी खारिज से किसी इल्म का आना, उसमें फिट्स की क्या जरूरत है, उसमें झटकों की क्या जरूरत है, किसी मसाले का, किसी रास का, किसी हिजाब का खुद ब खुद उड़ जाना, मुनकशिफ हो जाना, उसमें हैरानी क्यों, घबराहट क्यों? हुआ क्या? हुआ ये कि अपनी जात पर कियास करते करते और ये सोचते सोचते कि जिन यूं आता है, परी यूं आती है, साया यूं होता है, मलक भी आता होगा तो यूं ही आता होगा, पहले हकीकत वही को तो समझो कि नूर है, खालक नूर से नूर चला, नूर नूर पर वारिद हुआ, नजल बिहिर रूहुल अमीनो अला कल्बिक, तेरे दिल पे रूह अमीन वही लेकर आए,
दिल पर, दिल पर। कल्बे मोहम्मद मंजिल वही है, कल्बे मोहम्मद मंजिल वही है। अब उस मंजिल वही की हकीकत को समझना हो तो उस दिल को टटोलो जो इस दिल से नजदीक हो। अब आप समझ गए, इसलिए मैं चाहता था कि उन आंखों पर भरोसा हो, उन दिलों पर भरोसा हो जिन्होंने बड़ी नजदीकी से देखा, बहुत नजदीकी से देखा। और हां, इंसान क्या चाहता है? इंसान चाहता है कि जब बड़े मदारिज कमाल पर पहुंचे और लज्जात हिस्सी खत्म हो तो हकीमाना बातें करे, लज्जत अकली पाए, मसाइल को हल करे। विकार इंसानियत का इसी में है, इंसान की बुजुर्गी इसी में है कि वो सोच समझ के बोले। ये लज्जत अकली इंसान चाहता है कि पायदार हो। और मैं समझता हूं कि इस मंजिल पर जरा सी तवज्जो आपकी एक अहम मसले को हल कर देगी। वो ये कि आपको ये तो मालूम है ना कि हम कुछ डायमेंशंस में जीते हैं, कुछ अबाद में जीते हैं, कुछ हुदूद में जिंदा हैं। ये डायमेंशंस हैं। और इंसान की क्या तमन्ना होती है? इंसान की तमन्ना यह होती है कि बना दो ये मकान, रहे यादगार। क्या चाहता है? इम्तेदादे जमानी, यानी जमाने के एक अरसे तक एक निशानी जाए। इम्तेदादे मकानी, एक मकाम पे यादगार रह जाए। सरा बनाओ, मदरसा बनाओ, कुएं खुदवाओ, बच्चों को तालीम दो। इम्तेदाद, इंसान नाम चाहता है, बाकी रहना चाहता है। क्यों चाहता है कि बच्चे पढ़ें? क्यों चाहता है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले? खुद मुतफक्किर है, चाहता है कि बच्चे फिक्र से दूर होके तालीम हासिल करें। क्यों चाहता है? कि उनके जरिए से इसका नाम चले। यह है इम्तेदादे मकानी वो जमानी। लेकिन इसके आगे है इम्तेदादे अकली। बेटा इंसान यह चाहता है कि मेरे तजर्बात, मेरे मालूमात, मेरी समझी हुई बातें, मेरे फैसले, मेरे फरामीन, मेरा मंशा, मेरी हिदायतें, मेरी बताई हुई राह, इम्तेदादे अकली रह जाए, रह जाए जमाने के ला मुतनाही सिलसिले में। मैं जिसको बेहतर समझ रहा हूं वो रहे। मुसन्निफ किताब को क्यों छोड़ता है? इम्तेदादे अकली। कोई फलसफी फलसफे के अहम तरीन मसाइल को बाकी रखना चाहता है? इम्तेदादे अकली। अफलातून, अरस्तू, सुकरात, कांट, हीगल, नीचे, शोपनहार, इम्तेदादे अकली। तो सारी दुनिया इस बात की तमन्ना में है कि किसी तरह जियो। आपको मालूम है कि मरना जरूरी, लेकिन दिल की हसरत यह कि मरना तो जरूरी है
मगर मैं किसी न किसी तरीके से जीऊं। बहुत गौर से सुनिए, बच्चों के नाम से जीऊं, पोतों के नाम से जीऊं, नवासों के जरिए से जीऊं, किसी न किसी सिलसिले से मेरा नाम रहे, उनकी औलाद, उनकी तरबियत, उनके अफकार, उनकी हिदायतें, यह इंतदाद अकली है। आप चाहते हैं जमाने में मुहित हो जाए, हालांकि हालांकि आपको यह अथॉरिटी नहीं है, क्या नहीं है कि आप अपने अफकार और अपने ख्यालात से किसी और को मुतासिर करें। आपको यह इजाजत नहीं दी गई कि हिदायत का बेड़ा आप उठा लें। आपको इस अम्र की इजाजत नहीं दी गई कि किसी कानून को कानून इलाही बना के आप नाफिज कर दें। आपको इस अम्र की तौफीक नहीं हुई कि आप अपने को खुदा से मरबूत बतलाकर किसी अपने इशारे को खुदाई इशारा बतला दें। मगर फिर भी आपकी तड़प यह कि मैं जीऊं, फिर भी आपकी तमन्ना यह कि मेरा नाम रहे। मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि जिसको इतनी अथॉरिटी मिली हो, यह सुल्तान मिला हो, यह मैंडेट मिला हो, यह इख्तियार मिला हो कि तेरी पैरवी सबके लिए लाजिम, तेरा हुक्म सबके लिए हुज्जत, तेरी इताअत मेरी इताअत, तेरे हाथ पर की हुई बायत मेरे हाथ पर की हुई बायत, तुझसे जंग मुझसे जंग, तुझसे सुलो मुझसे सुलो, तूने वो मुट्ठी मिट्टी नहीं फेंकी, हमारे हाथ ने वो संग्रेजे फेंके। तुझ में और हम में फर्क करने वाले आयत कुरान मजीद की, युरीदून अन युफर्रिकू बैन अल्लाह व रुसुलिह, काफिर वो है जो हुक्म खुदा और हुक्म रसूल में फर्क कर दें। कुरान मजीद की आयत मुलाहिजा फरमाएं, इरादा करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल में फर्क पैदा कर दें हुक्म में, और जाहिर है वो खालिक है ये मखलूक, फर्क तो जाहिर है ना, वो कदीम ये हादिस फर्क तो है, मगर इरशाद हुआ नहीं, काफिर है वो जो फर्क करे अल्लाह में और उसके रसूल में बेएतबार अम्र, बेएतबार हुक्म, बेएतबार इताअत। मन युतअ रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो जिसको इतनी नजदीकी दे दी और यह कहा कि अब तुम्हारे बाद किसी को आना नहीं, तो मैं आज की इस इख्तितामी तकरीर में यह पूछना चाहता हूं कि जिसको इतने मदारिज दे के खातम बनाया और यह कहा कि तुझ में और कयामत में अब कोई और हायल नहीं, मिंबर पे जाके उसने कहा अना व सातु का हातैन, सहासित्ता में भी और मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में भी कि मैं और कयामत इस तरह से साथ साथ हैं, और अपने उंगलियों की तरफ या अंगूठों को मिला के इशारा किया, यानी इनमें और कयामत में अब कोई और नहीं है, ये और कयामत, इनका तसलसल और कयामत। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो जब खातम बनाया तो इम्तिदाद अकली की क्या सूरत है, जाना है पैगाम को, आगे बढ़ना है पैगाम को, रहना है दुनिया के आखिर तक पैगाम को। आप तो ये चाहते हैं कि आपका सिलसिला रहे, क्या ख्याल है आपका खातम के मुताल्लिक,
न रहे उसका सिलसिला, न रहे उसका सिलसिला। तो ये नसरानियत और मसीहियत तो है नहीं कि हर एक अपने को बाप का बेटा समझे। ओ होली फादर, दाउ आर्ट इन हेवंस, दाई विल बी डन इन अर्थ एज इट इज इन हेवंस। ओ मेरे बाप, अरे वो जो आसमानों में है, तेरी मर्जी जमीन पर भी उसी तरह से चलेगी जैसे अब आसमानों पर चल रही है। यही दुआ है ना रोज की जो मसीही पढ़ते हैं। तो इस्लाम यह तो नहीं है कि हर मुस्लिम उस बाप का बेटा हो, और न कुरान ने यह कह के इजाजत दी। मकान मोहम्मद उन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है कि हर शख्स अपना रिश्ता नाता जोड़े। यानी कि कमाले मोहब्बत में बाबा कहने लगे या विजदान के आलम में कहे कि वो रूहानी बाप है। मुसलमान की ये फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरीह है कुरान के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि उसका एक सिलसिला हो। इम्तिदाद अकली को वह लेके आगे बढ़े। बहुत गौर से सुनिए, क्या यह जरूरी नहीं है कि उसके साथ भी वो हो जिसकी नजर पर, जिसकी फिक्र पर, जिसके शोर पर, जिसके कल्ब पर, जिसके इल्म पर मोहम्मद को भरोसा हो। और इस अंदाज से वो मुतमईन हो कि मेरा पैगाम अब चला, मेरा पैगाम चला और यूं चला कि कयामत तक अब उसको कहीं मिटा नहीं सकता। तो ऐसी मंजिल पर हर शख्स अपने आप को तो साहिब सिलसिला बनाना चाहे और पैगंबर को बेसिलसिला जाने। कौन है अब्तर? कौन है अब्तर? कुरान ने वजाहत कर दी कि तू नहीं, तेरा दुश्मन। कुरान कहे कि दुश्मन अब्तर, और हम ये कहें कि नबी का कोई सिलसिला नहीं। कितनी गलत फहमी होगी। अब आप हमारे अकीदे का जायजा लें कि किन बुनियादों पर यह अकीदा है, किन बुनियादों पर यह अकीदा है। आजमाइश का हंगाम है, आजमाइश का हंगाम है। और सबसे बड़ी आजमाइश यही है ना कि झूठा कौन है और सच्चा कौन। सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि सिद्ध को किस को देखा जाए कि झूठा कौन है और सच्चा कौन। और अगर इस आजमाइश में कोई पूरा हो गया और कोई पूरा उतर गया तो फिर बार बार दोहराने की जरूरत ना रहे। आजमाइश हुई और इस शान से आजमाइश हुई कि जहां इख्तियारात थे वसी, अमल था महदूद, जहां लफ्जों में गुंजाइश थी बेपनाह मगर ताबीर थी बड़ी मुख्तसर, जहां अनफुस में पूरी उम्मत आ सके जैसा कि आज की फिक्र है
मनसल्ला का तरीकी फहू आली, ये आज की फिक्र है, जो मेरे रास्ते पर चले वही मेरी आल। तो जब इतनी बसीत हो फिक्र तो अनफुस के लिए भी इसका इम्कान था कि उस वक्त की मालूमा दुनिया में जितने उम्मती थे सब खड़े होते। अनफुस बिल्कुल उसी तरह, निशा बेटी नहीं है, औरतें कितना वसीलब, कितनी मुख्तसर ताबीर, कितनी मुख्तसर ताबीर। अबना वो सातें बेपना, मगर इख्तिसार तो देखिए, शेखुल इस्लाम मौलाना अशरफ अली थानवी सूरह आले इमरान की इस आयत पर पहुंचकर, जिसको आए मुबाहिला कहते हैं, तर्जमा किया, हाशिए पर लिखा कि जब ये आयत आई रसूल सलाम अपनी बेटी, अपने दामाद और अपने दोनों नवासों को लेकर निकले। कितनी सही रुदाद है, कितनी सही रुदाद है। गुफ्तगु यही है कि सरसरी गुजर जाओगे या सिलसिले को मानोगे, या सिलसिले को मानोगे। आयतियते फमन हज कफी है मिन बाद मा जाअक मिन अल इल्म फकुल तआलौ नदौ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। हबीब, इल्म के आ जाने के बाद भी अगर कोई हुज्जत पे तुल जाए तो कह दो कि तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, फिर मुबाहिला करेंगे और करार देंगे, दुआ करेंगे नहीं, करार देंगे झूठों पर अल्लाह की लानत। ये थी मुबाहिले की मंजिल। जब सूरह शूरा में आए कुर्बा का नुज़ूल हुआ, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो तफसील ये थी कि अजर रिसालत यही है कि मुसलमान मुसलमान को दोस्त रखे, अपने अपने कराबतदारों को सब दोस्त रखे। जब आए सूरह अहज़ाब में आए तो फिर आई तो कहा कि चूंकि निसाए नबी का तस्करा है इसलिए आयत को हम अलग नहीं करते। लेकिन आले इमरान की इस आयत में कोई गुंजाइश इसलिए नहीं निकल सकी कि आना था सबको मैदान में। रावी थे नसाराए नजरान, रिवायत गई दूसरों के हाथ में कि अब वो कहें कि कौन आए थे। हम होते तो मालूम नहीं क्या होता। नसाराए नजरान ने रिवायत की और ऐसे मौके पर मुहद्दिस दहलवी का तर्जमा सामने है, उन्होंने कहा कि दो नवासे बेटी दामाद घर से चले और अल्फाज ये लिखे, हजरत फातिमा, हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन को लेकर निकले। उसूलन
ये लिखना सही था या नहीं, मगर एक बहुत बड़ा आलिम इस्लाम का इस तरह से लिखे तो हमारे सर आंखों पर, इसलिए कि अभी बचपना था, इमामतें मिली नहीं थी। मगर उन्होंने यह लिखा कि इमाम हसन और इमाम हसन को, इमाम हुसैन को लेके गए, और उसके साथ यह भी लिखा कि जब घर से निकले इस शान से तो दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया, और इस तरह से बुलंद किया कि गोद में था एक बच्चा, और एक बच्चे का हाथ छोड़ के उस हाथ को भी उठा के कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, खुदावंदा यह है मेरे अहले बैत। इसको भी तमाम मुसलमान उलमा ने लिखा, अकीदे की बहस नहीं है, मिलाद ही की महफिल है, मिलाद ही की महफिल है। मगर मैं चाहता ये हूं कि आप उस हकीकत को जान लें कि नाम खातम का रोशन कैसे हुआ, आप इस हकीकत को जानें, मुलुकियतों ने रोशन किया, शाहियों ने रोशन किया, शहंशाहियों ने रोशन किया, तसव्वुफ ने रोशन किया, मुर्शदान कामिल ने रोशन किया। वो कौन सी ताकत थी कि जिसने इस नाम को रोशन किया? मुबाहले का दिन और आज का दिन, आज का दिन और आज से क़यामत तक का जमाना, वही आए कि जो किज़्ब के मुकाबिल में आए, किज़्ब के मुकाबिल में आए, और ये बतलाते हुए आए कि सूरत सिद्क़ को बनकर आए हैं, शऊन रबूबियत में ये पांच नाम काबिल गौर हैं, ये पांच सिफात हैं, सबके माना एक, सिद्क़, खैर, हक, हुस्न, अदल। इन पांचों लफ्जों के एक ही माना वो ये कि निस्बतें दुरुस्त हों। हुस्न के माना यही, खैर के माना यही, हक के माना यही, अदल के माना यही, सिद्क के माना यही कि निस्बतें सही हो। बलीग जुमला है, वक्त नहीं है। तो जहां ये बतलाने के लिए आए कि देखो ये है सिद्क, माना ये थे ये है हक, ये है खैर, ये है हुस्न, ये है अदल, और इसके मुकाबले में जो आए वो किज़्ब, किज़्ब कुभा, हुस्न की जिद कुभा, हक की जिद बातिल, खैर की जिद शर, अदल की जिद जुल्म। तो इस तरह से कुब हो, जुल्म हो, बातिल हो, शर के मुकाबिल में जिसका मजमूआत किज़्ब बना, ये हैं वो सच्चों की सूरतें के जिन पे नाज है पैगंबर को। बहुत गौर से सुनिए, नाज है पैगंबर को गवाह बना के ले चले, अपनी नबुव्वत का गवाह बना के ले चले, अपनी नबुव्वत का गवाह बना के ले चले। अरे नसारा के लिए मुमकिन था कि ये कह देते कोई बेटों को बनाता है गवाह? बेटों को बनाता, बेटी को बना के लाता है गवाह? मगर नसारा जानते थे कि अम्र हक में वो चेहरे मुकाबिल हैं कि जहां रिश्तेदारियां नहीं, जहां बंदगियां मकसूद हैं, जहां इबादत हक मकसूद है, कुर्बत नबी का सवाल नहीं है, कुर्बत हक का सवाल। इस शान से ले आए, ये बतलाने के लिए आए कि अगर
इसके बाद मुझको पहचानना चाहो, मुझको पहचानना चाहो तो मेरी बेटी से पूछो तेरा बाप कौन है। तवज्जो से सुनिए, मेरी बेटी से पूछो तेरा बाप कौन है। बादे वफाते पिदर,